हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। एक और नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है DPS की तरफ से। सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो है मात्र 100 रुपीज़ है। पे स्केल आप लोगों को जैसा कि थंबनेल में दिखाई दे रहा है, जो कि नोटिफिकेशन की ही कटिंग है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। काफ़ी अच्छी जो है इसमें पेमेंट करने वाले हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स को 87,675 रहेगा। लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें भी सैलरी काफ़ी अच्छी है, लेवल 4 के अकॉर्डिंग 52,173। ठीक है, और भी कई पोस्ट हैं, जैसे LDC है, वेबसाइट डेवलपर है, कंप्यूटर टीचर है। बाकी चीज़ें देख लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, कैसे इसमें जो है अप्लाई करना है सारी चीज़ें। तो TZT एंड कंप्यूटर नेटवर्क एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी है इसमें सैलरी जो है 87,675 ये पे करने वाले हैं। लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी 52,173। वेबसाइट डेवलपर एंड डिज़ाइनर की जो वैकेंसी है तो लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी 53,583। लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो वैकेंसी है तो उसमें लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी ये रखने वाले हैं 38,483। ठीक है, एज लिमिट एज पर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। अप्लाई अगर आप करेंगे तो 19 नवंबर 2024, ये एडवर्टीजमेंट जो जारी किया गया है, तो 10 दिन के भीतर जो है आप लोग अप्लाई कर देंगे। इसमें 100 रुपीज़ का जो है डिमांड ड्राफ्ट आप लोगों को बनाना है। और फॉर्म कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम स्कूल ऑफिशियल वेबसाइट। तो वैकेंसी जारी की गई दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज, ये न्यू दिल्ली में है, तो यहाँ पर ही जो है जॉब लोकेशन रहेगी। इसमें जो है केवल और केवल ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर यहाँ पर भी जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें भी जो है अनुभव ही मांगा गया है। सैलरी तो काफ़ी अच्छी रहेगी ही, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि DPS में सैलरी काफ़ी अच्छी देते हैं। TZT हिंदी सब्जेक्ट में वैकेंसी है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में आपकी, और BEd वो भी 1st डिवीज़न या 2nd डिवीज़न के साथ में, और CTET भी क्वालिफाई। ठीक है, TZT जापानीज़ की जो वैकेंसी है तो पोस्ट ग्रेजुएट जापानीज़ में और CTET क्वालिफाई होना चाहिए। लैब असिस्टेंट फिजिक्स जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट आप फिजिक्स में हो, 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं रिप्यूटेड स्कूल लैब का। कंप्यूटर एंड नेटवर्क एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी है तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का, BE या BTEC MCA वाले अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो है अच्छा खासा अनुभव मांग रहे हैं 5 साल का। वेबसाइट डेवलपर एंड डिज़ाइनर का जो वैकेंसी है तो BCA या ग्रेजुएट अगर हैं आप कंप्यूटर साइंस में और प्रोफेशनल डिप्लोमा है आपके पास वेबसाइट डेवलपमेंट का और 2 साल के अनुभव के साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स हो आपके पास, CCTV सर्वेलाइंस फ्रॉम अ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट का। ठीक है, तो ये पूरा जो है इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है, सेक्टर C पॉकेट 5 वसंत कुंज न्यू दिल्ली में ये स्कूल है। अब देख लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए आप लोगों को 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। फॉर्म आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट से लेना है। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा टीचिंग स्टाफ के लिए, केवल TZT की ही पोस्ट है, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी। ठीक है, ये फॉर टीचर्स ओनली यहाँ पर लिखा हुआ है, और दूसरा जो है फॉर एडमिन स्टाफ ओनली के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ड्यूली फिल्ड फ्रॉम अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल। जितने भी 10th के बाद के जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा है हायर क्वालिफिकेशन तक का, वो सभी फोटोकॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटेस्ट करनी है। डिमांड ड्राफ्ट की जो रिसिप्ट होगी 100 रुपीज़ की, वो आपको उसी में लगानी है। ठीक है, जो कि DPS वसंत कुंज के नाम से होगी। आप चले जाएंगे बैंक में, जाएंगे वहाँ पर आप कहेंगे कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बसंत कुंज के नाम से जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 100 रुपीज़ का, तो वो बना देंगे। और आप लोग पोस्ट भी कर सकते हैं और स्कूल में जाकर भी जो है सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार आपको है दिखा देती हूँ। ये देखिए दिल्ली, अब लगातार जो है वैकेंसी जारी हो ही रही है, तो आप नज़र रखिएगा आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी। दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे रेड कलर में लिखा है सिचुएशन वेकेंट, इस पर जो है क्लिक कर लेंगे।
यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन सबसे ऊपर आपको क्लिक करना है, इसमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। बाकी जो है डिटेल में आप लोग पढ़िएगा इसे अच्छे तरीके से, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है जो भी अप्लाई करने के इच्छुक हैं, एक बार और पढ़ना है आप लोगों को। सैलरी काफ़ी अच्छी है इसमें, अनुभव भी जो है इसमें मांगा जा रहा है। जहाँ पर बिना अनुभव के आप अप्लाई कर पाएंगे, वैकेंसी बिल्कुल आती है। आप लोग रेगुलर चैनल पर बने रहें, आपके राज्य की वैकेंसी ज़रूर निकलेगी, आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी ज़रूर निकलेगी। लगातार वीडियो देखते रहें। थैंक यू।